हेलो स्टूडेंट्स, गुड आफ्टरनून। ईडीडी सेकंड सिक्स सेमेस्टर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग डिप्लोमा का ये सब्जेक्ट है। इसका आज लेक्चर है ईडीडी सेकंड इलेक्ट्रिकल डिजाइन ड्राइंग एंड एस्टीमेशन सेकंड। इसमें हम पढ़ रहे थे स्टार डेल्टा स्टार्टर। स्टार डेल्टा स्टार्टर में लास्ट लेक्चर में मैंने मैनुअली स्टार डेल्टा स्टार्टर बताया था कैसे वर्क करता है, कैसे होता है। आज हम पढ़ेंगे ऑटोमेटिक स्टार डेल्टा स्टार्टर। ऑटोमेटिक स्टार डेल्टा स्टार्टर कैसे होता है, क्या क्या कंपोनेंट्स होते हैं इसमें, वो सारी चीज़ें आज हम पढ़ेंगे। तो स्टार डेल्टा स्टार्टर में कौन कौन से पार्ट्स होते हैं? एक तो होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कॉन्टैक्टर, दूसरा टाइम डिले रिले, ओवरलोड रिले, ऑन ऑफ और ऑन यानी स्टार्ट पुश बटन, ऑफ पुश बटन। ये पांच पार्ट्स होते हैं। कौन कौन से? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कॉन्टैक्टर, दूसरा आपका टाइम डिले रिले, ओवरलोड रिले, ऑन या स्टार्ट पुश बटन, ऑफ पुश बटन। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कॉन्टैक्टर क्या होता है? यह एक स्विचिंग डिवाइस होती है जिसमें NVC यानी नो वोल्ट कॉइल लगी होती है। एक डिवाइस होती है स्विचिंग स्विच करने की, जिसमें कई सारे इलेक्ट्रिकल सर्किट बने होते हैं और एक नो वोल्ट कॉइल लगी होती है और NO तथा NC दो कॉन्टैक्ट्स लगे होते हैं। स्टार डेल्टा दो कॉन्टैक्ट्स लगे होते हैं, NO नॉर्मल ओपन नॉर्मल क्लोज, दो कॉन्टैक्टर होंगे आपके लगे हुए, दो कॉन्टैक्ट्स लगे होते हैं और एक NVC कॉइल लगी होती है। स्टार डेल्टा स्टार्टर में तीन कॉन्टैक्टर होते हैं, मैन कॉन्टैक्टर, स्टार कॉन्टैक्टर, डेल्टा कॉन्टैक्टर। कौन कौन से कॉन्टैक्टर होते हैं? मैन, स्टार और डेल्टा, तीन कॉन्टैक्टर होते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कॉन्टैक्ट क्या होता है? एक स्विचिंग डिवाइस होती है जिसमें NVC कॉइल लगी होती है और नॉर्मल ओपन तथा नॉर्मल क्लोज दो कॉन्टैक्ट्स होते हैं। स्टार डेल्टा स्टार्टर में तीन आपके कॉन्टैक्टर होते हैं, मैन, स्टार और डेल्टा। दूसरा होता है इसमें टाइम डिले रिले। टाइम डिले रिले क्या होता है? टाइम डिले रिले ऑटोमेटिक स्टार डेल्टा स्टार्टर में एक टाइम डिले रिले लगा होता है, जो ये क्या करता है, इसमें एक टाइम पहले से ही हम डिसाइड कर देते हैं, पहले से ही टाइम एक सेट कर देते हैं, उसी टाइम के अकॉर्डिंग ये स्टार्ट कंडीशन को क्या करता है, ऑन और ऑफ करता है, इसलिए टाइम डिले रिले लगाया जाता है। टाइम डिले रिले का कार्य क्या है? एक मतलब पहले से ही निर्धारित कर लिया जाता है कि हमें 10 मिनट बाद या 1 घंटे बाद क्या करना है, सर्किट को ब्रेक कराना है, कंडीशन को ऑफ करना कराना है या ऑन कराना है, तो उसी के अकॉर्डिंग एक टाइम डिले रिले लगाते हैं, उसमें सेट होता है। तो ये कार्य हो गया अगर टाइम डिले रिले का। ओवरलोड रिले किस कंडीशन पर करता है? ये ओवरलोड कंडीशन में मोटर की बाइंडिंग को सर्किट ब्रेकर की हेल्प से खराब होने से बचाता है। करता क्या है ये? एक रिले होता है जो क्या करता है, ओवरलोड कंडीशन में या एबनॉर्मल कंडीशन में क्या करेगा, सर्किट ये सेंस करता है और सर्किट ब्रेकर को सिग्नल भेजता है। सर्किट ब्रेकर को सिग्नल भेजेगा और सर्किट ब्रेकर क्या करेगा, सर्किट को ब्रेक कर देता है, सप्लाई बंद कर देगा और हमारी जो है उससे मोटर बच जाती है। सर्किट ब्रेकर की हेल्प से क्या होता है, आपके थ्री फेज जो इंडक्शन मोटर हम यूज कर रहे हैं वो बच जाती है खराब होने से, उसकी बाइंडिंग कॉइल्स नहीं जलती हैं, इसलिए हम थ्री फेज इंडक्शन मोटर में ओवरलोड रिले स्टार्टर में ओवरलोड रिले यूज करते हैं। अच्छा, नेक्स्ट आता है आपका ऑन या स्टार्ट पुश बटन। ऑन नाम से ही पता चल रहा है कि इस मोटर इसके द्वारा क्या करते हैं, इस बटन के द्वारा क्या करते हैं, मोटर को स्टार्ट किया जाता है और स्टॉप के द्वारा क्या करते हैं, मोटर को ऑफ करते हैं। अब देखो ये आता है, ये इसका डायग्राम है, ये मेन स्विच लगा हुआ है, ये मेन स्विच लगा हुआ है आपका फ्यूज सेट और मेन कॉन्टैक्टर आपके ये लगे हुए हैं, ठीक, सॉरी मेन कॉन्टैक्टर ये लगे हुए हैं और स्टार डेल्टा कॉन्टैक्टर ये है, स्टार ये है कॉन्टैक्टर है, ये आपकी थर्मल थ्री फेज इंडक्शन मोटर है और ओवरलोड रिले ये लगा हुआ है आपका यहाँ पर, ये लगा हुआ है आपका ओवरलोड रिले। अब ये सब ये कैसे वर्क करता है ये देखो, वर्किंग लगभग दोनों की सेम है,
बस ये ऑटोमेटिक कार्य करता है, इसलिए हम इसमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कॉन्टैक्टर यूज करते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, मोटर को हम मेन स्विच से सप्लाई देंगे, मेन स्विच से सप्लाई दी जाएगी, सप्लाई यानी स्टार्ट हो जाएगी, सप्लाई स्टार्ट हो जाती है। ऑन पुश बटन को प्रेस करते हैं, ऑन पुश बटन को प्रेस करेंगे, ऑन पुश बटन को प्रेस करते हैं, उसके बाद क्या होगा, सप्लाई स्टार कनेक्टेड कॉन्टैक्टर में जाएगी। इस सप्लाई जो है, जैसे यहाँ से सप्लाई अपने स्टार्ट कर दी मेन सप्लाई, ये जो है यहाँ से देखो इधर, यहाँ से मेन स्विच हमने सप्लाई कनेक्ट कर दी, मेन स्विच से जाती हुई ये गई सप्लाई, ठीक। यहाँ से आपको फेज मिल जाएगा, ये सप्लाई गई स्टार कनेक्शन में, स्टार कनेक्शन में गई, डेल्टा का हमारा कनेक्शन कटा हुआ है इसलिए स्टार में जाएगी। स्टार में जाने के बाद क्या होगा, यहाँ से ये स्टार में जाने के बाद यहाँ से यहाँ पर आ गई और ये कॉन्टैक्टर के थ्रू यहाँ पर आ गई थ्री फेज सप्लाई, ये हो गया स्टार में कनेक्टेड। जब मोटर 70-80% स्पीड प्राप्त कर लेती है तो क्या होता है, टाइम डिले रिले के अकॉर्डिंग वो डेल्टा कनेक्शन कनेक्ट कर दे, कनेक्टर डेल्टा कनेक्टर जो है, डेल्टा जो भी कॉन्टैक्टर है वो कनेक्ट हो जाता है और स्टार